नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रेवेसियर क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट ट्वेल्व इस सीरीज में पार्ट वन टू इलेवन मैं पहले बना चुकी हूँ जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक प्ले में ठीक है और ये ईयर क्वेश्चन असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है उसके कॉमन पेपर के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत यूजफुल है तो सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड इट्स रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू 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 इफ इफ आर न्यू टू चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा और कोई फीस नहीं भरनी चैनल बिल्कुल फ्री है लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम तीन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए क्वेश्चन नंबर वन अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज लाइकली टू बी पोलर इफ ए वन ऑफ द एटम्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर्स

तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो जाता है ठीक है और जो बाकी तो ऑप्शन होगा ए पर जो बाकी ऑप्शन है टू एटम्स आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो किसी पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं हो पाता है और तब बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता है द टू एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट का दो एटम है तब भी कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है द बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ अ हेडली शेप मॉलिक्यूल और जब टेट्रा शेप मॉलिक्यूल होता है तब भी पोलैरिटी नहीं होती है

कि जो चिमनी का हाइट है उसको बढ़ा दी, दी, दीजिए तो एग्जॉस्ट जो है वो अपर एटमोसफेयर में जाएगा ये एक तरीका होता है एसिड एसिड प्रेसिपिटेशन का 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 कम करने का, कम करने करने पर ये बेस्ट मेथड नहीं है बी एड बफर्स एंड बेस टू द बॉडीज ऑफ वॉटर या फिर अगर ऑलरेडी एसिड जो रेन हो चुका है तो जिन तालाब नदियों में एसिड रेन गिरा है उनमें बेस या बफर डाल दीजिए तो उनका पीएच फिर से ठीक हो जाएगा ये भी एक तरीका है एसिड रेन के प्रॉब्लम्स को एसिड रेन के इफेक्ट को कंट्रोल करने का लेकिन एसिड रेन को कम करने का ये तरीका नहीं है एक बार एसिड रेन हो गया तो उस डैमेज को कम करने का तरीका है बी ठीक है सी है रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन हैवी मेटल इन इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा करने से एसिड रेन को फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम भी है ज्यादा भी है और एसिडिस एसिडिक acid, जैसे सॉक्स या एसो टू, एसो टू या नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो फिर भी एसिड रेन होगा तो ना ए ना बी ना सी डी इंक्रीज एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल ये सही तरीका है अगर आप एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देंगे और सख्त कर देंगे तो इंडस्ट्रीज को और ऑटोमोबाइल्स को ऐसी टेक्नोलॉजी अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी होगी जिससे कि एसिडिक गैसेस का एग्जॉस्ट ही कम हो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलेंगे ही कम तो एसिड रेन होगा ही कम तो डी इज द करेक्ट आंसर ओके और कौन से डिवाइसेस आप इंडस्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल में फिट कर सकते हैं तो इंडस्ट्रीज में जो डिवाइस फिट होता है वो होता है एसिड रेन को कम करने के लिए वो फ्लू गैस डिसाइजर होता है जो सल्फर को कम करता है सटो को कम करता है या फिर सेलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर होता है या सेलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर होता है जो कि नॉक्स के एमिशन को कम करता है इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल में हम लगाते हैं वो डिवाइस जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स कैटेलाइटिक कन्वर्टर जो है वो नॉक्स जो ऑटोमोबाइल से जो नॉक्स के गैसेज निकलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं उनको वो रिड्यूस करके एन टू में नाइट्रोजन में बदल देता है जो कि एक इनर्ट गैस है एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है तो वो वो जो ऑटोमोबाइल से जो एसिड पोल्यूशन होता है उसको कम करता है और साथ में हाइड्रोकार्बन को भी ऑक्सीडाइज करके सीओ टू में कन्वर्ट करता है जिससे कि मिथेन का इमिशन कम होता है और साथ में जो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन uh, में जो एच होता है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और नाइट्रोजन गैस ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर से इमिट होते हैं और कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स जो ऑटोमोबाइल होता है उसके टेल पाइप में जिस पाइप से धुआं देता है उसमें फिट होता है ताकि उससे पोल्यूशन कम हो ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री ईच वाटर मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ ए थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वन कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डी वन कोवलेंट बॉन्ड एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो वॉटर uh, मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड हो ये तो नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल में कम से कम दो कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि ओ एच ओ एच करके एच टू बनाएगा तो सी गलत है और वन कोवेलेंट बॉन्ड एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स डी भी गलत है अब बचा ए और बी इसमें कंफ्यूजन है कि थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा और मेरी इंफॉर्मेशन कहती है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ बी फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे यहां देखिए ये यह एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन का एटम है ये हाइड्रोजन का एटम है ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है रेड है बड़ा है हाइड्रोजन का एटम एटम थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है छुटा है छुटा है छोटा छोटा अब हाइड्रोजन के पे पोलर मॉलिक्यूल है पार्टली पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा दूसरे ऑक्सीजन के एटम से जो वाटर मोलिक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ठीक है और दूसरा हाइड्रोजन वाटर जो एटम है वो भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक वीक बॉन्ड बना देगा तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही बन गए और बाकी जो ये बीच में ऑक्सीजन एटम है इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो ये दो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ उनके हाइड्रोजन के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम ने बनाए और दो अलग अलग बॉन्ड इन हाइड्रोजन एटम्स ने, ने बनाए तो एक दो तीन और चार तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए ठीक है समझ गए और जो सोर्स था इन्फॉर्मेशन का वो मैंने आपको मेंशन कर दिया था क्वेश्चन नंबर फोर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड ए बॉयस लॉ बी चार्ल्स लॉ सी लॉ या डी हेनरीज लॉ इसका सही उत्तर है ए बॉइल्स लॉ और बाकी सारे लॉज भी हम देख लेते हैं तो बॉयस लॉ में तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जितना प्रेशर डालेंगे उतना गैस का वॉल्यूम कम होगा ये बॉयस लॉ है चार्ल्स लॉ में क्या है

प्रेशर निकल जाएगा ये डाटन लॉ है हेनरीज हेनरीज लॉ लॉ क्या है ये है ये कि अगर किसी लिक्विड के ऊपर कोई गैस है और जब उस गैस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो गैस गा, लिक्विड में ज्यादा खुलेगी मतलब कि व्हेन अ गैस इज हवरिंग ओवर अ लिक्विड व्हेन इन द प्रेशर ऑन द गैस इंक्रीजेस द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इंक्रीज और यही सिद्धांत एटमोस्फेरिक प्रेशर का भी होता है कि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन होता है और वो पानी के ऊपर हम, हमेशा हवा होती है तो ऑक्सीजन जो है पानी में डिजोल्व होता है तो वही डीओ होता है ठीक है क्वेश्चन फाइव वाई डू वी हैव हाई हाई डू एंड लो लो टाइड्स टाइड्स क्यों होते हैं मून एंड इट्स रोटेशन सन सन एंड मून ग्रेविटी या बूंस ग्रेविटी तो हाई और लो टाइड जो समुद्र में होता है वो सन और मून दोनों की वजह से होता है मून की वजह से ज्यादा होता है क्योंकि तो मून धरती के बहुत करीब है और सन दूर है तो तो कम होता है पर दोनों की ग्रेविटी से हाई एंड लो टाइड्स होता है आंसर सी क्वेश्चन सिक्स मैच द फॉलोइ मैग्नीशियम सल्फर सोडियम एंड सिलिकॉन ये एलिमेंट्स हैं यूजेस क्या हैं कंप्यूटर चिप्स मोबाइल फोन्स एग्रीकल्चर एंड क्रैकर्स हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल क्रैकर्स बनाने में पटाखे में होता है क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है ना तो बहुत ही अच्छा सा लाइट देता है इसलिए पटाखों में डा, डाल जाता है तो ए को हम मिलाएंगे फोर से जब पटाखों में आपको मेटल जैसा दिखता है ना वो ही मैग्नीजियम होता है तो ए को फोर से कहा मिला है? आंसर इस बी मैग्नीशियम को पटाखों में इस्तेमाल होता है और सल्फर को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम को हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन्स में और सिलिकन को कंप्यूटर चिप्स में सिलिकन को कंप्यूटर चिप्स में और मैग्नीशियम को पटाखों में ये तो बहुत ही आसान था और वो ऑप्शन बी में आपको मिल जाता है जब भी आप ऐसे मैच फॉलोइंग करें तो एक बात का ध्यान रखें कि जिस ऑप्शन पे आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं पहले देखिए कि वो किस में है जैसे मुझे पता था कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल हर हाल में क्रैकर्स के लिए होता है तो ए को हम फोर से मिलाएंगे तो सिर्फ बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए को फोर से मिलाया है और सिलिकॉन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स में होता है तो तो डी को 1 से और बी एक ऑप्शन है जिसमें कि ए को 4 से मिलाया है और डी को वन से मिला है डी को वन से तो बाकी तीन बाकी दो और ऑप्शन में भी मिलाया है लेकिन ए को फोर से सिर्फ बी ऑप्शन बी में मिलाया है तो इस तरह से आप ये मैच द फॉलोइंग करें विच वैक्सीन इज यूज अगेंस्ट ट्यूबरकोसिस ट्यूबो में कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल होता है डी टी 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 बी सी जी या डीपीटी मतलब जो काली खांसी होती है उसके लिए बीसीजी का ई व्हीकल्स e e मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिसमें धुआं नहीं होगा तो उसके लिए एक नई सब्सिडी स्कीम लॉन्च की गई है और उसका नाम है पंचशील गिफ्ट और कौन से राज्य में लॉन्च की गई गुजरात राजस्थान दिल्ली या कर्नाटक सही उत्तर है गुजरात आंसर इज ए

सी सोलर मोटर सिस्टम या डी इंश्योरेंस टू फार्मर्स सही उत्तर है बी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू फार्मर्स यहाँ पे साफ, साफ जाहिर होता है प्राइम नसर किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना मतलब एनर्जी सिक्योरिटी ताकि किसान्स को बिजली मिले तो खेती आराम से कर सके ठीक है आज के लिए इतना ही कोई अगर आपको डाउट है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है कुछ भी कमेंट्स में बता सकते हैं एग्जाम बहुत पास आ चुके है सात अप्रैल को एग्जाम है तो उसके लिए प्लीज तैयारी करते रहिए और सारे ही टॉपिक्स की सारे सिलेबस पूरा देखिएगा इन साइंस तो मैं करा ही दूंगी बट बाकी सिलेबस भी देखिएगा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो उनका भी ख्याल रखिएगा थैंक यू जय हिंद जय भारत